दो बाटी बासमती राइस को आधे घंटा पानी में भिगा के रखा। अभी इसको वॉश करना है। स्पेशल रेसिपी फ्रॉम माय स्कूल हंसराज मोरारी पब्लिक स्कूल, मसाला भात, जो हर मंगलवार को खाने के लिए हम लोग भागते थे, दौड़ते थे, और हम लोग का टेस्ट अभी भी मुंह में रहता है। अभी हमारे सर मिस्टर अजय, उन्होंने रेसिपी फेसबुक पे रखी है, तो उसके मदद से अभी हम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। पानी करना है करीब आधे इंग्लिश जितना पानी ज़्यादा डाल के उसको गैस के ऊपर रखना है। नमक डालना है। आधा चम्मच घी ऐड करना है। 3 चम्मच ऑयल को एक दूसरे वेसल के अंदर गरम करने को रखना है। आधा चम्मच जितना राई, आधा चम्मच जितना जीरू ऐड करके थोड़ा गर्म होने दो। थोड़ा नीम का पत्ता, तमाल पत्ता उसमें ऐड करने हैं। अभी थोड़ा जो म्यूजिक आ रहा चालू होता है गर्म होने का तर तर करके, तभी थोड़ा सा आधा चम्मच जितना हींग उसके अंदर ऐड कर। करीब 1.5 जितना कांदा बारीक कटिंग करके लिया हुआ है और उसको इसके अंदर ऐड करना है। जब तक थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक उसको ऐसे हिला के रखना है। जस्ट वेट एंड वॉच। और आई एम मेकिंग मैन मसाला भात ऑफ हंसराज मोरारी पब्लिक स्कूल इज मेकिंग। हेलो। आज बनाते बनाते हमें सभी में मामा जो हमें सर्व कर सबकी याद आ रही है। बाबू भाई थे पहले सबसे, जब हम मैं स्कूल में था तभी। उसके बाद में अर्जुन भाई थे, सब हमें पिरसते थे। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण करके भाई हमें सर्व करने आते थे। आज सब लोग की जो इतने साल से लोग हम लोग को खिलाया है वही चीज़ मुझे बनाने को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ब्राउन कलर पकड़ रहा है। तो ये सब्जी पूरी काट के साफ करके रखी है। रेसिपी में लिखी है 6 आइटम। एक फ्लावर है, पंसी है, बटाका है, फिर गाजर है और वटाना है। 6 आइटम को बराबर बारीक पीस के कटिंग करके तैयार रखा हुआ है। जो अपना एक ग्रेवी जो तैयार हो रहा है कांदा वगैरह का, उसके अंदर उसको ऐड करना है। फिर वेजिटेबल को और थोड़ा गर्म करते जा रहा हूँ और साइड बाई साइड अपने को चावल को भी संभालना है, ज़्यादा उबल ना जाए और कच्चा भी ना रह जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और इसी हमने बाजू में मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। ये है मिर्ची, नमक, ये धनिया पाउडर, हल्दी और एक गर्म मसाला। जो अपने रेसिपी में जो जितना क्वान्टिटी लिखा है इतना ही क्वान्टिटी मैंने अलग करके रखा हुआ है। और अभी ये सभी चीज़ को अपने को वेजिटेबल के साथ में ऐड करना है। तो पहले धनिया पाउडर सब जगह पे मिक्स कर दिया। एक्चुअली होली जैसा है, होली के कलर जैसे डाल रहे हैं ना, ऐसा सब कुछ अंदर डाल देने का। गरम मसाला है उसको भी ऐड कर दिया। ये सभी वेजिटेबल में ऐड करना है और वापस फिर उसको मिक्स करना है। एक्चुअली मेरे से थोड़ा बाहर भी जा रहा है, बहुत साल के बाद मैं कुछ बना रहा हूँ। थैंक यू अजय जी, आपने रेसिपी जो डाली हुई है फेसबुक से, तो हम बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत खुश हो गए। जस्ट वेटिंग कि कब हम बना कर खाएं। बाटी भर के पानी थोड़ा मिक्स करने के लिए अच्छे से उसमें ऐड करना है और वापस उसको चम्मच से बराबर मिक्स करके लेना है पूरा मसाला। सुगंध तो अच्छी आ रही है भैया। अभी वेजिटेबल जब तक बराबर पक ना जाए तो उसको 5-7 मिनट तक उसको ढक के रखो, सो अंदर से बराबर बॉयल होकर मसाला तैयार हो जाए एकदम मस्त में। एक इसलिए करना है कि नीचे चिपक ना जाए, और मुझे पता नहीं था दोस्त, इसलिए मैं ऐसे ही बोलते रहा। अभी चिपक रहा है कि नहीं? अरे भाई नहीं चिपक रहा है, चलो सही है सही है। थोड़ा से चावल बाहर निकाल के ऐसे दबा के प्रेस करके देखना है कि चढ़ गया कि नहीं, हुआ दब रहा है क्या, बराबर हो रहा है क्या, कच्चा तो नहीं रह गया? नहीं, थोड़ा बराबर हो गया लगता है।
अभी चावल पूरा उबल गया है, मैंने गैस बंद कर दिया और उसको अभी पानी निकालना रहेगा हमें। ये जरा देख लेते हैं कि हमारे सब्जियां मतलब पकी है कि नहीं। उसमें एक आध पटाना जो रहता है उसको लेके दबा के चेक कर लेना है। पोटैटो को चेक करना है कि कच्चा तो नहीं रह गया, थोड़ी कसर रह गई है, उसको और एक दो मिनट के लिए वापस बंद करना पड़ेगा। मीनवाइल हमारे चावल को यहाँ पे छन्नी करने को रख दिया है, सब पानी निकालने को रखा हुआ है, पूरा ड्राई करने के लिए रखा हुआ है। हाँ, वेजिटेबल बराबर पका के नहीं लग तो रहा है भैया, पूरा हो गया बराबर। हाँ, पोटैटो बराबर चढ़ गए हैं और बताना भी बराबर हो गया है। चावल की तैयारी करते हैं, अभी पूरा हो गया है तो इसको छन्नी से निकाल के पूरा इसमें उल्टा कर देते हैं। आप बताओ किसको किसको याद है कि हम कैसे चावल हम लोग मसाला भात खाते थे। परफेक्ट, हम पहले लेयर बनाएंगे चावल का। थैंक्स टू माई बोथ द किड्स, क्योंकि मुझे तो कॉलेज स्कूल छोड़ के 30-35 साल हो गए, बच्चे लोग ने 10-5 साल में सब क्लियर किया तो उनको थोड़ा बहुत याद है। तो हमने कहा कि पहले भाई चावल लगाओ, वी वेजिटेबल लगाओ, सब्जी का इस पर लगाते हैं। बस और एक सब्जी का, दोस्तों ये सब कोरोना का प्रताप है। कोरोना होने से सब लोग धंधे पे लग गए बराबर, और कोरोना होता तो मैं आप सबको खाने के लिए भी बुलाता। डेडिकेटेड टू ऑल माय सर्स, स्कूल टीचर्स, निकुम सर, शारदाबेन कापड़िया सर, रसौंदी सर, रमेश भाई सर, परमार सर, सभी सरों की आज मुझे बहुत याद आ रही है। मीनाक्षी बहन, जयश्री बहन, निरंजना बहन, इंदिरा बहन, वागले टीचर, राजन टीचर, सबको मेरी तरफ से एक बढ़िया सी डिश जो मैंने बनाने की कोशिश की है फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच मेरे दोनों बच्चों को, राज और अनुज। अनुज पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा है मेरे लिए, थैंक यू अनुज फॉर डूइंग दैट। बाय द वे मैं खाली एक्शन दिखा रहा हूँ, फाइनल एक्शन दिखा रहा हूँ, पीछे का काम जो भी सब करना है ज़्यादा करके मेरी वाइफ रूपल देसाई करतसी है। काफ़ी कर सब चीज़ें मुझे उसने तैयार करके दी, जैसे मैं समझना कि 100% मैं ही कर रहा हूँ। वो है तो हम है तो वो है, स्कूल है तो हम भी है, हाँ मैं तो स्कूल भी है, सबकी यादें। थैंक यू वेरी मच। साइड लेयर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, इसलिए ग्लास का बाउल हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किया था।